देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सैमी प्लीज, कुछ भी करके तो के हमारे साथ देवे के होगी। इस शादी के रोके खातिर हमके जे भी करे के पड़ी, कुछ भी करे के पड़ी, तू प्रॉमिस कर कि तू हमारे साथ देबा। हमरे तरह से कोनो बहस नहीं के करे के, कुछ भी नहीं के बोले के, क्या तरह के कुछ बोला तारा समझ में ना आवेला, लेकिन बड़ा भाई भाई लग रहे थे तारा के, इतना बात जरूर बोले की जो तू करे जाता रहा एकदम गलत बा। मायरा से शादी तारा खातिर गलत बा करन, तू मायरा से शादी ऐसे करा तारा का तू प्रीता जी के दिखावे के चाहता रहा, ऐसे ना कि तू मायरा से प्यार करेला। यस, हम मायरा से शादी एक खातिर करत बानी, कहे हम प्रीता के घर में नहीं खियावे देवी के चाहत। वाओ, थैंक्स। मायरा, हम तार मेकअप या तार आउटफिट के तारीफ ना कर रहल बानी, हम तो ऊ बात के तारीफ कर रहल बानी जेकरा वजह से करण पत्थर दिल हो गए। हमनी सब जाना तानी कि करण लूथरा केहू के बात ना सुनेला, लेकिन अपन भाई के बात जरूर सुनेला। आज वो अपन भाई के भी बात ना सुनलस, इनफैक्ट उतर ऋषभ से झगड़ा कर लेलस। झगड़ा ऋषभ से कहे? तहरे खातिर, हमरा खातिर। करण तहरा से शादी करे खातिर डेस्परेट बा, मतलब अगर उकर बस चले ना तहार हाथ पकड़ के अभी तहरा मंडप में ले जाए, चीख चीख के सबके बोले कि वो सिर्फ और सिर्फ माहिरा से शादी करे चाहता। He is excited. हम तुसे कहले रहनी ना, हम कहले रहनी कि करण सिर्फ हमरा से ही शादी करी, हमके पता रहे। अच्छा भाई, हमके बता दे लो, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड बानी। एक्साइटेड तो हम भी बानी, लेकिन एगो बात खटक रहल बा। चाहे करण कुछ भी कहे, लेकिन हमनी सब जानत आनी कि अगर प्रीता तू दोनों के शादी में आ गईली तो करण के बहुत फर्क पड़ी। हम एगो काम करत आनी, केहू से कह के प्रीता के यहाँ पे आवे से रोक देता नी। आई थिंक वो सबसे अच्छा आइडिया रही। ना शर्लिन, ओके आइजा आवे था। माहिरा, तहरा लग रहल बा कि तहार होखे वाला हस्बैंड प्रीता के शादी में इनवाइट कैले होखी और वो ना आई। सॉरी टू लेट यू नो, प्रीता शादी में आ रहल बिया। हाँ तो ये चाहे नहीं ना हम। शर्लिन, हम बहुत सोचनी, सोच सोच के ना हमार दिमाग खराब हो गए। तो की पता हम कितना टेंशन में रहनी। करण वहाँ जाके प्रीता के इन्विटेशन दे आई, हम इतना डर गए रहनी कि प्रीता यहाँ आई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो कि इस शादी में। हमार तो सोच सोच के दिमाग खराब हो जाते रहे, लेकिन ओकरे बाद ना हम कंक्लूजन में पहुँचनी। फिर हमके समझ में आयल कि बहुत अच्छा बात है कि प्रीता ऐजा आ रहल बाड़ी, कि करण ओके ऐजा इन्वाइट कैले बा। कहे कि इस समय करण प्रीता से बहुत नफरत करेला और वो के नीचा दिखावे खातिर कुछ भी करे। ऐसे हम चाहे नहीं कि प्रीता ऐजा आए और हमार शादी प्रीता के सामने हो। लगता तू भूल गयल बाड़ू, करण और प्रीता के बीच में बेइंतहा मोहब्बत बा, पुराना याराना बा। ऐसे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर बा भी ना, मतलब 0.1% बाई चांस भी ऐसा ना, तब हम मैनेज कर ले। हमके पता बा का कर गया, और पैसे भी। शादी तो सबके सामने होगी ना, सबके बीचों बीच। आज कुछ प्रॉब्लम ना होगी। हाँ, लेकिन आज कुछ टूटी, वह प्रीता के दिल, प्रीता के सपना और प्रीता के भ्रम। आज ओके पता चले कि करण उसे कितना ज्यादा नफरत करेला, और आज प्रीता हमके देखी मिसेस करण लूथरा बनते। ये तो हम चाहे नहीं, ऊजा आए हमार शादी होकते देखे तड़पे। आज होकी प्रीता के सबसे बड़ हार और हमार होकी सबसे बड़ जीत। हम तो नीचे मंडप में भी ना जाए जब तक प्रीता ऐजा ना आ जाता। तहरे से ज्यादा स्मार्ट लेके हम आज तक ना देखनी हमारा, और देखबू भी ना। एक्सक्यूज मी, हमके रेडी हो गया। श्योर, आवा प्रीता, आई एम वेटिंग फॉर यू। मिस प्रीता अरोड़ा, यू कॉर्डली इनवाइटेड टू द मैरिज सेरेमनी ऑफ करण लूथरा एंड माहिरा खन्ना। जब तक हम तोके तड़पत ना देखब, हमार शादी कैसे पूरा होगी? हम जानत बानी कि का सही बा और का गलत, और अब अगर तू प्रीता के साइड लेहल बंद ना कैला ना, तो हम और भी बुरा करब। फिर तुहार दिल टूट जाए प्रीता जी खातिर। ऋषा, ऋषभ पुत्र, तू ओकरा से बात कैला? का कहले हो ऋषा, का कहले हो?
का तू करण के समझावे की कोशिश कैला कि प्रीता के साथे अपन शादी के एगो और मौका दे, प्रीता के अपन बीवी के रूप में स्वीकार करे, अपन शादी प्रीता के साथ स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे, का तू समझेला ओके ही सब? तब तक का कहले हो? का कही मॉम? आप जोन कुछ भी कहले रहे हमरा के कहे कि हम सब कुछ कह देनी मॉम, लेकिन ओकरा कुछ समझ में नहीं आवत मॉम। वो खाली सुने खातिर सुना था, लेकिन ओकरा समझ में कुछ नहीं आवत मॉम। पता ना करण के कहा हो गई बा, हमार बात सुनत रहे, हमार बात नहीं के सुना था, प्रीता जी के बात सुनत रहे, उनकर तो बिल्कुल भी नहीं के सुना था। हमरा तो लगते ही नहीं कि ये हमनी के उहे करना, ऐसा लगा था कि वो और बन गई बा। और आप भी ये बात ऑब्जर्व करत बानी ना मॉम, ना तो आप खुद ओकरा से डायरेक्टली बात कर सकत रहनी। आप ऐसे हमरा क्या भेजने ना ओकरा से बात करे खातिर? ऋषभ, हमार फीलिंग्स के जरा समझे की कोशिश करा। हम तो के करण से बात करे खातिर भेजने काहे की हम जाने नहीं की अगर कोई घर में हा जिसे करण सबसे ज्यादा प्यार करेला, तो तू बड़ा बेटा अगर हम डायरेक्टली करण के पास चल जाती, उससे बात करती, तो वो हमार कोनो बात ना सुनत, बस ये कह के चुप करा देत की माँ ये वक्त हम बहुत ज्यादा हर्ट बानी, प्रीता के बारे में कोनो बात ना करे चाहता नहीं। और तू तो जाने लाना करण के सामने कोई भी बात एक ही बार बात कर सकेले, बार बार ना। यही खातिर हम तोके भेजनी, हम ये सोचनी कि तू करण से बात करबा, ओके समझाइबा। और करण मम्मा हम कोशिश करनी समझेनी हम ओकरा के, ओकरा समझ में नहीं खे आवत मॉम, उस सुनते ही नहीं खे, ओकर दिमाग अपन काबू में नहीं खे मॉम। पता बा मॉम हमरा काला कथा? अबे ए वक्त हमने के करण से पिताजी के बारे में कोनो बात ना करे के चाहिए मॉम, ओकर ओकर दिमाग अपन काबू में नहीं खे मॉम, वो कुछ नहीं खे सुनत, केहू के नहीं खे सुनत। हमने के ओकरा से ए बारे में बात ना करे के चाहिए मॉम, तनी वक्त निकल जाए थी, हम अपने आप ओकरा से बात करें मॉम, प्लीज मॉम। काहे पुत्तर काहे बात ना करे के चाहिए? करण चिढ़ल बा, और हो सका था वो अपने आप से नाराज होके कोनो बात से, हम नहीं की समझ पाओ की कोना बात से नाराज बा, लेकिन हो सकता था कि अपने आप से नाराज होके। ये वक्त अगर हमनी के ओकरा से पिताजी के बारे में बात करें ना, तो और ज्यादा चिढ़ जाए, पिताजी से और गलत तरीका से बर्ताव करे, का फायदा? आपके पता बा हम जैसे ही ओकरा से कहनी ना कि पिताजी शादी में आओ तरी, ओकर इंसल्ट मत करिया, अच्छा सा बिहेव करिया, और ज्यादा रिएक्ट करे लागल, गुस्सा करे लागल, बात और बिगड़ गई। अब तू और ज्यादा ऐसा करता कि पिताजी की तकलीफ होके उनका बुरा लगो, अपन शादी में अपन बारात लेके अपन घर आवता, बताइए ऐसा क्यों करे लगा पिताजी के नीचे दिखावे खातिर? उकरा नहीं के समझ में आवत मॉम, लेकिन आपके ऐसा काहे लगा था कि प्रीता जी अगर एक घर में आई हन, शादी अटेंड करी हन, तो सब कुछ ठीक हो जाए? मॉम करण भी तो प्रीता जी के इंसल्ट कर ले बाना, इतना बुरा भला कर ले बा, इतना बुरा तरीके से बिहेव कर ले बा, तो प्रीता जी काहे नहीं के कर सकता? जब करण प्रीता जी के नापसंद कर सका था, तो प्रीता जी करण के नापसंद काहे नहीं के कर सका था? हम तो कहा था ना कि करे के चाही। कभी ना करे, करण जैसन बर्ताव प्रीता के साथे कर रहल बाना, प्रीता वैसन ही बर्ताव करण के साथे कबो ना करी, वैसन कोनो काम ना करी जिसे करण के दुख पहुंचे, कुछ ना करी ओकर अगेंस्ट। राखी जी, ऋषभ आप लोग आई जा बानी? अरे नीचे चली, सब लोग आ गई बड़े का भाई, एनी प्रॉब्लम ना? ना अरे तो फिर चली ना, सब लोग आ गई बड़े, बारात आ गई ला, ऋषभ चला बेटा, राखी जी चली। कब सोच ले बिना रानी के करण ऐसा करी? दादी आप कितना सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। और कितना खुश भी। अरे खुश का है ना हो कि हमार पोता करण के शादी बा, हमार भी तो देवर की शादी बा। हाँ। चली ना, चल के डांस करल जाओ। आई आई आई, चली डांस करल जाओ, डांस करल जाओ।
का भइल, प्रीता अरोड़ा भी तक ना आइल, शादी के मुहूर्त हो गई, शादी भी हो रहल बा, बारात भी आ गई, दूल्हा भी आ गई, अब तक तो ओके भी आ जाए के चाहत रहल। प्रीता अरोड़ा, वेयर आर यू? आ गए ले तू? हाँ हाँ, हमरा तो आवे के ही रहे, तहरा ई दिखावे के कि अब तू हमरा खातिर कुछ हो नहीं खा। अगर हम कुछ भी नहीं खें तो बाहर कहे रुकल बड़ू? कहे कि अंदर आवे के दिल ना कर रहल बा, बाकी फिर भी हम आई तहरा ई दिखावे खातिर, ई प्रूफ करे खातिर कि तू गलत बाड़ा करन लूथरा। आज हम तोके तोहर सही जगह दिखाई। आवा प्रीता अरोड़ा, यू आर मोस्ट वेलकम। तो के बोलनी ना, बीच में मत पड़ा। बस करन, अब और ना। सासुमा, कहां बनी आप? आपके होखे वाला दामाद बारात लेके आइल बा, स्वागत ना करब हमार? एब्सोल्युटली बेटा, हम अभी आरती के थाल लेके आवतानी।
माँ आप कहाँ जा रहल बानी? छोटका बेटा के शादी बाप के? I need your help. ई पहिन ला। हाँ दिखाई अपन सृष्टि हमारा हाथ ऐसे काहे देखा तड़ू? हमरा कुछ ना भइल बा, हम बिल्कुल ठीक बानी। तू परेशान मत होखा। अब हमेशा करण सर के बचावत रहनी। ओ जे कुछ भी करे नी, वो कुछ ना कहले हा, कुछ ना कहले यही कहत रहनी। आप देखनी वो आपके साथ कैसे डांस करत रहनी। वो नाम खातिर डांस रहे, वो आपके साथ फाइटिंग करत रहे, वो आपके यहाँ पे फाइट करे खातिर नीचा दिखावे खातिर बुला ले बानी ना। ऐसा कोनो बात नहीं है, हमने एक दूसर से फाइट ना करत रहनी, वो डांस ही करत रहे। लेकिन कुछ लोग हो खेले ना, उनकर बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा हो खेला। हाँ अब तरह तरह पता बा ही, करण के हर वक्त गुस्सा चढ़ल रहेला, तो गुस्सा में डांस करी कोनो इंसान था इसने दिखी। ऐसे तरह लागत रहे कि वो हमरा से लड़ता, जबकि ऐसा कोनो बात नहीं है। पर एगो सच्चा बात बताई, करण कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो गए होके, उम्र में कितना भी बड़ा हो गए होके, बाकी ओकर दिल छोट सा बच्चा जैसन बा। बच्चा कैसन हो खेले जब बात उनकर अकॉर्डिंगली ना जात रहे, तो इरिटेट हो जाले और इरिटेट होके बदतमीजी से बिहेव करे लागे ले। बस करण भी ए वक्त इरिटेट ही बहिल बा, और बच्चा के जैसन हमरा से बदतमीजी से बिहेव करता, और कोनो बात नहीं खे। और जॉन भी बा, डांस करत रहे चाहे फाइट करत रहे, हमने के का लेना देना, छोड़ा ना, इग्नोर हिम। सृष्टि शादी रसम ये सब दो चार पल के बात रह गए बा, और फिर हमने कबो यहाँ लौट के ना है, वक्त केहो खातिर ठहरेला ना। और जैसे जैसे वक्त बीतेला, सब बात सब याद धुंधला पड़त जाला, और कुछ समय बाद आज यहाँ का भइल बा, हमने दोनों के बीच में का बात होता, ई दी करण लूटरा हमने के ध्यान में भी ना आई। ओकर याद ई लड़ाई झगड़ा, ई रूठल मनावल, ई सारा बात ये खत्म हो जाए। बात तक कब के खत्म हो चुकल बा दी, लेकिन एक्चुअल में तो चले जा रहल बा ना। बच्चा बा बच्चा के तरह करेला, इग्नोर करे बोल के ना आप उनके बिगाड़ के रखले बनी। देखनी हम आपको आपके कैसे मैन हैंडल करत रहले। अरे ऐसे केहू करेला सबके सामने डांस करेला, ऐसे केहू फाइट करेला। दी हमके पता बा कि आपके तकलीफ भइल बा उनके बिहेवियर से, हमके पता बा कि करण सर आपके परेशान कर रहल बाड़े, और आप कुछ बोली ना रहल बानी। अरे तरह ऐसा लागता करण हमरा के बिल्कुल परेशान ना करता, तरह लागता कि हम परेशान होता नहीं, लेकिन हम परेशान ना हो रहल बानी, हमरा कोनो फर्क ही ना पड़ल। ई करण लूथरा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं की हम परेशान हो, हम बिल्कुल परेशान नहीं की, और तरह भी परेशान ना हो की चाहिए, समझ लू। इन्हें देखा हमने यहाँ का करे आयल बानी, शादी अटेंड करे आयल बानी, राइट? तो फिर चल शादी के सारा रसम अटेंड करता नहीं। ला आ गए आरती के थाली। जमाई राजा हो गई आपकी आरती, अब आप ही के घर में आपके स्वागत है। वेलकम टू लूथरा हाउस। आबा बेटा आज तुझे काम कहला ना, हमनी सब बहुत खुश बानी, चला अंदर। कब है दुल्हन ना आई? लब तक शादी के मुहूर्त निकल रहा बा, आज हमार शादी बा, और हम शादी तो सिर्फ एक लड़की के संगे करब, आपके बेटी माहिरा के साथ। तो जल्दी बुलाएं कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। हम अभी जाके बुला ले। आंटी माहिरा रेडी हो रही है भैया। अरे दिस गर्ल आज भी लेट, हम अभी आवता नहीं।
बेटा आप यहाँ बैठ जाए, जब तक दुल्हन आवती है तब तक हमनी वर पूजा कर लेता नहीं। ठीक बा। चला हमरे साथ। वाह का सीन बा, करीना आंटी प्रीता के हाथ पकड़ के का सॉलिड खींच के लेके गई बानी। एंड आई एम श्योर आज प्रीता के करीना आंटी से जबरदस्त लेक्चर मिली। बहुत शौक बाना तहरा प्रीता अरोड़ा सबके सुनाई के, पर आज करीना आंटी तहरा इतना सुनाई कि दूसरन के सुनावल भूल जाइबु तू। तमीज तो पहले भी ना रहे तहरा में, लेकिन अब लागता कि कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गई बाड़ू। यू नो वॉट करीना आंटी, कोनो और दिन हो कितना और आप हमरा ये तरह सुनाई थी तो हमरा बहुत बुरा लगा, हम शायद रोती भी। बाकी आज ना, आज हम सोच के आए रहनी कि हम यहाँ आए बाप हमरा के देखा तो आप हमरा के बहुत सुनाई, सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, हमरा कोनो फर्क ना पड़ता। अगर जानत रहलू तो फिर एहिजा आयल काहे बड़ू। हम यहाँ अनइनवाइटेड नहीं थी, हमरा इनविटेशन मिलल बा, हमरा करण खुद अपन शादी में इनवाइट कैले बा। डोंट टेल मी प्रीता अरोड़ा कि जब भी तारा कौनो इंसान शादी में इनवाइट करेला तो तू वही जा जालू, हर फंक्शन में जालू। ना ना तो फिर ई शादी में आए के का मतलब रहे, कौनो जवाब ना बका तेरे पास। हम बताई तू जान बुझ के आइल बड़ू करण और माहिरा के स्पेशल डे के स्पॉइल करे। बिल्कुल भी ना, आप प्लीज अपन दिमाग से गलत फहमी निकाल दी। हम आज यहाँ कौनो भी इरादा लेके ना आयल बानी, हम महसे को मेहमान बन के आयल बानी, जैसे बाकी सारे मेहमान बाड़े यहाँ घूमत आड़े। हम ही शादी अटेंड करब और अब मेहमान के जैसे यहाँ चल जाए तब हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट बा, जैसे आप बाकी मेहमान के ट्रीट करतानी, उनका रिस्पेक्ट देतानी, अगर आप हमरा के भी एगो मेहमान के तरह ट्रीट करब तो हमरा अच्छा लगे। आई वुड लव दैट प्रीता अरोड़ा, तहरा मेहमान के तरह ट्रीट करे में हमके बहुत मजा आए, पर तू मेहमान के तरह बिहेव कहाँ करेलू। तू जानत बाड़ू मेहमान के हो खेला, चुपचाप फंक्शन में आवेला खाएला पेरा थैंक यू बोलेला चल जाला, लेकिन तू तो हर बार लूथरा हाउस में घूमत रहेलू, फैमिली मेंबर्स के पर्सनल प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर करेलू, ई तरह से बिहेव करेलू जैसे तू हमनी के फैमिली की एगो मेंबर बाड़ू। लेकिन प्रीता आज के दिन हमनी के बख्श दे, हर बार तू करण और माहिरा के हर फंक्शन के स्पॉइल कैले बाड़ू, लेकिन आज छोड़ दा उनके शादी हो जाएगा। हमरा ना पता आपके काहे ऐसा लागत, आप हमेशा कुछ हो करे यहाँ ना आयल बानी, हम यहाँ सिर्फ ऐसे आयल बानी काहे कि हमरा करण कहले रहल कि करण तो बहुत कुछ कहेला। तू आज तक करण के हर बात मान ले बाड़ू, ना ना फिर आज वो करी बात काहे मान लू तू। प्रीता तू जानत बाड़ू तो हर प्रॉब्लम का बा, तू सिर्फ उहे माने चाहत बाड़ू जे तू माने चाहत बाड़ू, तू सिर्फ उहे करेलू जे तू करे चाहत बाड़ू। लेकिन आज तक हम उहे कहनी ना जे करण चाहत रहे कि हम करी। आंटी बेसिकली बात ही बा कि अगर आज हम यहाँ ना आई थी ना तो करण हमरा बारे में बहुत उल्टा सीधा सोचत, अपन दिमाग में हमारे को ऐसा पिक्चर बना ले जो हम बिल्कुल भी नहीं थी। आप जाने नहीं ना कि अगर कौनो तुहार बारे में गलत सोचे और तू ऐसा बिल्कुल भी नहीं खाता तो वो थॉट तुहार दिमाग में कितना डिस्टर्ब करेला, और हम बिल्कुल ना चाहे नहीं कि करण कुछ ऐसा सोचे जो बिल्कुल सच नहीं खे ऐसे हमरा की यहाँ आके। लेकिन आप हमरा ही काहे कहता नहीं, करण के जाके काहे ना कही नहीं, वो आयल रहे ना हमरा इनविटेशन देवे के ता आपके उकरा रोके के चाहत रहे, आप उकरा के काहे ना रोकनी। रोकती प्रीता अरोड़ा, अगर हमके पता हो खतना कि करण तहरा इनवाइट करे आ रहल बा या तहरा से मिले आ रहल बा तो हम उकरा जरूर रोकती। तू जानत बाड़ू ना कितना नापसंद करता नहीं हम तहरा, अब कौन से भाषा में समझाई हम तहरा। ये तो हम चाहे नहीं कि आप एक बार खातिर हमरा समझावे की जगह हमरा समझे की कोशिश काहे ना करेनी।
करीना आंटी आपके हमेशा ये कहे लगेला कि हम फ्री बानी, घर में कुछ गलत होखेला, कोनो और कुछ गलत करेला, आपके हमेशा लगेला कि हम कले बानी। हम आज तक आपके साथ गलत कहीं नहीं कहा। अगर आप एक बार सोचा तो शायद आपके भी लगे कि हम इतना बुरी भी नहीं कि जितना आप समझे नहीं। खैर, जैसे कि हम आपके कहनी कि हम ही शादी एगो मेहमान के तरह अटेंड करे आयल बानी और जैसे ही शादी हो जाए हम यहाँ से चल जाए और ये बार हम ये घर में वापस आवे खातिर ना जाए। एक बार यहाँ से गई नहीं तो फिर कबो ना आए। तो प्लीज अब तो आप हमरा बारे में बुरा बुरा सोचल बंद करी। अच्छा बुरा सही गलत, एक्चुअली हम तुम्हारे बारे में कुछ भी ना सोचता नहीं, कहे कि सोचल उनके बारे में जाला जे लाइफ में इम्पोर्टेंट होखे और तू प्रीता अरोड़ा हमरे लाइफ में बिल्कुल इम्पोर्टेंट ना बने। और रहल बात यहाँ आके करण और महिरा के फंक्शन के स्पॉयल करेगी तो ये तो तहार आदत बा। हमनी के घर के हर फंक्शन बर्बाद कैलू तू, रिमेम्बर ऋषभ्स वेडिंग, ओकर भी हर फंक्शन में आके बार बार हमनी से ई कहत रहलू कि शर्लिन अच्छी लड़की नहीं थी, ऋषभ के लायक नहीं थी, ओकर केहू के साथ अफेयर चल रहल बा। हर बात केहू मनलस ना ना, ऋषभ और शर्लिन के शादी हो गए, शर्लिन हमार फैमिली के बड़ बहू बन गई और आज आज ऋषभ और शर्लिन एक दूसरे के साथ कितना खुश बाड़े। कहे कि शर्लिन एगो बहुत अच्छी लड़की बिया, वो कहले ना अच्छन के साथ अच्छा हो खेला। एक्चुअली तहरे साथ भी बहुत कुछ अच्छा हो सकत रहे, तहर सगाई भइल रहे ना पृथ्वी के साथ, कितना अच्छा लड़का बा पृथ्वी, अमीर बा, सोसाइटी में रिस्पेक्ट बा, ओकरा से शादी कर ले तू ना तो अच्छा लाइफ लीड कर तू। अरे कितना रिस्पेक्ट हो तहार सोसाइटी में, लेकिन ना तहरा तो कबो केहू के कोनो बात ना माने के, उहे करे के बा जे तू करे चाहे लू। एंड हियर यू आर। एनीवेज हमके तहरे साथ कोनो बहस ना करे के, जस्ट डू अस अ फेवर, चुपचाप ही जैसे चल जा, गो होम। मायरा बेटा यू आर लुकिंग गॉर्जियस, सीरियसली लाइक अ लेडी। सच में हमार बच्चा कितना ग्रोन अप लगा था, आई हैव नेवर सीन अ ब्राइड सो प्रिटी। बिल्कुल सच कहा तड़ू रमोना, मायरा सच में बहुत खूबसूरत लग रहल बाड़ी, इतना प्यारी दुल्हन हम आज तक ना देखने। थैंक यू मामी जी। हाँ बेटा, ओ पंडित जी दुल्हन के बुलावता नहीं सो माहिरा के बुलावे आयल रानी। इमे इतना हेजिटेट करके का बात है, हम तो रेडी बानी, वी कैन गो। एब्सोल्युटली लेट्स गो दुल्हन। का भइल कृतिका, हमरा आपसे कुछ बात करे के रहे मामी जी। बोला। एको बात बताई, का आप ही शादी से खुश बानी? लेकिन मामी जी दुल्हन तो माहिरा बाड़ी और आप तो प्रीता के। सच कहलो तू, तू ये कहे चाहत रहलो ना कि हम प्रीता के बहुत पसंद करेनी। हाँ हम आज भी प्रीता के बहुत पसंद करेनी, कहे कि प्रीता एगो बहुत ही अच्छा लड़की बाड़ी, नेक दिल लड़की बाड़ी, दिल के बहुत साफ बाड़ी, बुराई नाम के कोनो चीज ना ओकरा में, वो कबो केहू के बारे में कुछ भी गलत सोच ही ना सकेली, कर ही ना सकेली। और हमनी खातिर, हमनी के परिवार खातिर कबो ना, जब भी हमनी पे कोनो मुसीबत आए बस एगो प्रीता ही रहल जे हर वक्त हमनी की मदद कैली। सच कही कृतिका, प्रीता लाखों में एक बाड़ी, ढूंढे पर भी ऐसा लड़की कबो ना मिली। लेकिन कृतिका बेटा, जब हमार बेटा अपन इरादा पक्का कर ले लेहा कि ओके माहिरा के साथे शादी करे के हा, ता हम अपन बेटा के खिलाफ कैसे जा सके नी? माहिरा भी ते एगो अच्छा लड़की बाड़ी, हमार बचपन के सहेली की बेटी बाड़ी। अब करण माहिरा के और माहिरा करण के एक दूसरा के अपन जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर ले बाड़ी, तो भला हम उनकर खिलाफ कैसे जा सके नी? माहिरा के नापसंद कैसे कर सके नी हम? करण प्रीता के साथे शादी तक कैले, वो कर पति है, हम करण के समझावे के बहुत कोशिश कैनी पर
अपन शादी के प्रीता के स्वीकार करो। लेकिन उस सुने खातिर तैयार ही नहीं थे, तब हम का करें? करण के माँ बाने, माँ होके के नाते करण के खुशी हमार खुशी है। बस और का चाहिए हमके? आयुष और मामी जी, आपके और कुछ ना चाहिए? सच में आप खुश बानी? हमके तो बस हमार बेटा के खुशी चाहिए। महेश जी भी वक्त ठीक नहीं थे, जब करण अपन फैसला पक्का कर ले लिया कि वो माहिरा से ही शादी करे चाहेला, तब माहिरा के अपन बहू के रूप में स्वीकार करे नी। हमरा से जे बन पड़ी हम अपन बच्चन खातिर करब, कहे कि हम अपन बच्चन से बहुत प्यार करे नी, उनकर खुशी में ही हमार खुशी है। एगो माँ होके के नाते इसे ज्यादा हम और का चाह सके नी? हमके और कुछ न चाहे। चला बेटा, नीचे वर पूजा के विधि चल रहा ला, सब लोग हमने के इंतजार कर रहा बड़ा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरे। अरे दुल्हन आ गई। हाय कितना सुंदर लगा ताड़ी, क्यों के नजर ना लगे एक रखे। प्रीता कहाँ गायब हो गई? मायरा, आई एम सॉरी, हम प्रीता के शादी में बुलाओ नहीं। आई जस्ट कांट हेल्प इट। करण, तू सॉरी मत बोला, हमके बुरा ना लग रहा ला। और वैसे भी हो खुद तो ही जाना आई ला ना, तू के इनवाइट कर लिया। और सच कही ना, हम चाहे नहीं कि हमने के शादी के सब रस्मों के सामने ही हो, पर कहीं दिख ना रहा। वर पूजा संपन्न भइल और अब तो दुल्हन भी आ गई नी, तो वरमाला के रसम कर लिया जाए। एक मिनट पंडित जी, प्रीता यहाँ नहीं खेल। कृतिका, जाके प्रीता के लेके आवा। जी पता ना भाई, दिखात नहीं कि कहीं पर। हम उसे गले रहने की है, सामने रहे, सब रसम अटेंड करे। पता ना कहाँ चल गए, जाके लेके आवा। ओके करण, करीना बुआ प्रीता के कहीं लेके गई बानी। बुआ भी ना, फेरा होके वाला बा और प्रीता के पता ना कहाँ लेके चल गई। जा लेके आवा। ओके जी। कितना बार कहीं तरह से हमनी के घर से चल जा, जैसे आयल बड़ू वो है तरह से। प्लीज गो होम। ना का मतलब बना के? ना के मतलब ना, आई मीन हम यहाँ से करण और बाहरा की शादी खत्म होके से पहले ना जाए। हाँ एक बार सारा रसम हो जाए, करण के शादी माहिरा के साथ हो जाए, तब फिर हम यहाँ से चल जाए। आप हमरा के कहनी, अगर आप हम आपके बात सुन ले रहती तो शायद हमार लाइफ डिफरेंट होखत, ऐसा कुछ भी ना होखत। काहे कि हम बचपन से सुना तायल बानी, हमनी के जिंदगी में हमनी के साथ वह होखेला जो ऊपर वाला हमने की किस्मत में लिखेला, वही से हमने की कुंडली बनेला, और हमने के कुंडली से ही बनेला हमने के भाग्य। और हमने के भाग्य में जौन लिखल होखेला उहे होखेला। तो अगर हम आपके बात सुन ले भी रहती तो चीज ए तरह से ना तो वो तरह से होखत, लेकिन आज होखत उहे जे आज हो रहल बा। काहे कि हमने के जिंदगी में हमने के साथ वह हो खेला जे हमने के कुंडली भाग्य में लिखल हो खेला। लिसन प्रीता। मामा, उप करण भाई बुलाओ ताड़े। आवतनी मामा, उ आपके ना बुलाओ ताड़े, उ
प्रीता के बुलावत आड़े। हाँ मम्मा, वो करण भाई हमरा के प्रीता के बुलावे खातिर भेजले। हम आपसे कहनी ना, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, हम ही शादी छोड़ के कहीं ना जा सके। पंडित जी, वरमाला के रसम के लिए देर हो रहा है। हम चलें, आजा। आज प्रीता देखी कि करण लेत्रा कितना खुश बा, किकरा संगे खुश बा। एंड आई एम श्योर ये सब देख के तो क्या बहुत तकलीफ होगी प्रीता, और ये तो चाहत बनी हो। पहले दुल्हन दुल्हा के वरमाला पहनाई। एक मिनट, आई एम दी करण लूथरा। इतना आसानी से पहने वाला नहीं हम, हाँ? मेहनत करेगी पड़ी। ओके, हैव अ फन, या? चलो समी, आजा भाई को उठावा, थोड़ा मजा भी तो आवे के चाहे, राइट? या अरे कम ऑन माहिरा, पनावा पनावा, दिस इज नॉट फेयर। दी हम के पता बा, आपके चेहरे की हंसी के पीछे आपके बहुत सारा आंसू बा, जे आप सबसे छिपा रहल बनी, केहू के ना देख रहे, पर हमके दिख रहल बा आपके दर्द। ना दी, हम जानत अनि कि आपके बहुत दर्द हो रहल बा, ई सब आपसे बर्दाश्त ना हो रहा, और आपके ऐसे देखल हमसे बर्दाश्त ना हो रहा। इतना दिखावा मत कर कि दिखावा के भी रोवल आ जाए। दी करण, काहे परेशान कर रहल बड़ा ओकरा, पहनाए दे ना। हमरा पता बा करण, तू ही जॉन कुछ भी करत रहा ना, खाली और खाली प्रीता जी के दिल दुखाए खातिर करत रहा, उनकरा के ठेस पहुंचावे खातिर करत रहा, उनकरा के बहुत तकलीफ देवे खातिर करत रहा। काहे करत रहा हमार भाई, काहे करत रहा, काहे चीज के इतना डिफिकल्ट बनावत रहा। तारा मायरा से शादी करे के रहा तो ऐसे ही कर लेता, प्रीता जी के बुलावे के का जरूरत रहे, उनकरा के तकलीफ देवे के का जरूरत रहे। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। आज हमारे दिल में इतना ठंडक पड़ गई बाना कि हम आपके बता भी ना सकें। आज ई देख के कि हमार बेचारा हस्बैंड अपन बेस्ट फ्रेंड के सामने खड़ा होके भी ओकर मदद ना कर पा रहल बा, हम आपके बता ना सके नी कितना मजा रहल बा। I'm loving it। चलो समी, छोड़ दे बस यार, रह दा। अरे इतना आसानी से मत पहनिया, यू आर दी करण लूथरा, टेक योर टाइम। ऋषभ जी, हम कब से आपके नोटिस कर रहल बानी
और नोटिस कर रहल बानी कि आप अभी भी प्रीता के बारे में सोच रहल बानी। लेकिन हमके लगा था कि अब आपके प्रीता के बारे में सोचल बंद कर देवे के चाहे। हमार मतलब बा, प्रीता की वजह से आपके भाई की कितना तकलीफ पहुंचेला। हमरा सामने अगर हमारे दुश्मन के साथ भी कुछ गलत हुई ना तो हम ओकर साथ दें, वो तो फिर भी हमारे दोस्त है। ओ सॉरी, दोस्त ना, हमार बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छा दोस्त बड़ी हमार। और उनके रास्ते गलत बलबाना यही सब उनका साथ दे। लेकिन ऋषभ जी, प्रीता गलत भी है। अब बोल गए नहीं कि वो हमनी के घर पे लीगल नोटिस भेज ले रही, और वो कहले रहे कि वो हमनी सबके बर्बाद कर दी। कैसा लीगल नोटिस? अरे जिकरा ने बात है, ये लीगल नोटिस प्रीता जी भिजवाई नहीं की सकत, ये बात के हमरा पूरा यकीन बा। क्या ऐसे काम एगो धोखाबाज इंसान कर सकता, और प्रीता जी धोखाबाज नहीं की। प्रीता जी ऐसा काम कबो नहीं कर सकत, हम गारंटी दे सकत नहीं। आपके बहुत जल्द पता चल जाए कैसन भी है।